हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज जो गाइज हम गेम खेलने वाले हैं एमपीएल पर वन जनपुर में। एंड गाइज, इस गेम प्ले में ना आपको प्रो प्लेयर भर भर के मिलेंगे, मतलब गेम प्ले काफ़ी इंटेंस होने वाला है। सो गेम प्ले को पूरा एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जो कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जो कर लेना। ओके, सो गाइज आते हैं इस गेम प्ले पर। हमारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में कार्ड्स की बात करें तो बहुत ही हमारे पास ख़राब कार्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जोकर ही नहीं है, तो जोकर के अलावा हम क्या ही कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे ऑटो ड्रॉप लगा देते हैं। वैसे यहाँ पे हो सकता है किसी न किसी बंदे पास काफ़ी ओपी कार्ड हो, जैसे मेरे पास तो अच्छे कार्ड नहीं है, तो चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं किसी बंदे पास काफ़ी ओपी कार्ड आने के, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। अब यहाँ पर जो बंदा डिक्लेयर करेगा ना, उस बंदे कार्ड चेक करना। मेरे हिसाब से बंदे के पास ना 3-4 जोकर होंगे जो बंदा डिक्लेयर करेगा। खैर कोई नहीं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन बंदा प्ले करेगा। देख सकते हैं हम जो है 3 बंदे ड्रॉप कर चुके हैं, और यहाँ पे देखते हैं सेकंड लेफ्ट प्लेयर ये बंदा प्ले करेगा या फिर ड्रॉप। वैसे बंदा सोच है रिस्क लूँ या फिर ड्रॉप, तो मेरे हिसाब से हो सकता है ये बंदा ड्रॉप कर दे या फिर बंदे का कहीं टाइम आउट ना हो जाए, क्योंकि बंदे पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके प्ले करते हैं। लेकिन बंदा ड्रॉप कर देता है, और यहाँ पर देखो सभी बंदे ड्रॉप कर देते हैं। और गाइस देखो इस बंदे को ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ओके गाइस, इस बंदे पास 2 जोकर थे, मैं सोचा था 3-4 जोकर होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे वैलिड कार्ड काफ़ी सारे थे बंदे पास। बस खाली बंदे को प्योर सिक्वेंस चाहिए थे, और बंदा शायद डिक्लेयर करके फाइनली विनर बन जाता। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइस दे सकते हो कार्ड सीड हो चुके हैं, एंड दे सकते हो कार्ड बहुत ही ख़राब कार्ड मिले हैं। एंड गाइस कार्ड चेक कर लेते हैं एक बार। और गाइस देखो ये बंदा ड्रॉप करके मुझे ये समझ नहीं आई, बंदे पास देखो 2 जोकर थे और थोड़े वैलिड कार्ड तो थे ना कम से कम, देखो क्लब में जे आ सकता था, लेकिन बंदे ने देखो रिस्क नहीं लिया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया बंदे ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे प्योर सिक्वेंस नहीं होने के चांस बहुत ज़्यादा थे बंदे के। लेकिन खैर कोई नहीं, अपनी अपनी थिंकिंग होती है, बंदे ने जैसा प्ले करना था कर लिया। सो अगेन गाइस देख सकते हो यहाँ पे 2 बंदे प्ले कर रहे हैं। सो करते हैं इसी के साथ बैट स्किप। ओके, सो फाइनली गाइस देख सकते हो यहाँ पे मेरे हिसाब से 20 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है, और यहाँ पे डीलर देख सकते हो डायरेक्ट 72 पॉइंट, मतलब कि बंदे पास दे सकते हो 3-3 जोकर थे, लेकिन प्योर सिक्वेंस फिर भी नहीं बंदा रहे कर पाया, क्योंकि बंदे पास वैलिड कार्ड तो थे, लेकिन एक एक वैलिड कार्ड आना चाहिए था। जैसे कि बंदे पास 6-8 था, 7 आना चाहिए था, और यहाँ पे बंदे पास जैसे 7-9 था तो हुक्म का 8 आना चाहिए था। इस तरह के कार्ड थे जिस वजह से बंदे पास कार्ड नहीं आ पाते। वैसे आना तो चाहिए था, डबल कॉपियाँ होती तो कोई तो आना चाहिए था, लेकिन बंदे की किस्मत ही ख़राब थी, तो क्या ही हम कर सकते हैं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं, एंड अगेन कार्ड्स की बात करें तो देख सकते हो हमारे पास 5 कार्ड इनवैलिड है, मतलब कि मिनिमम से मिनिमम हमको 5 टर्न लगनी चाहिए अगर हमको डिक्लेयर करना है तो। इतने में तो गाइस कोई और बंदा डिक्लेयर करके हमारे पॉइंट ईजी आराम से लगा देगा 20+। सो हम नहीं चाहते, इस वजह से हम यहाँ पे करेंगे ड्रॉप। अब हो सकता है कुछ बंदे यहाँ पे रिस्क लेते, लेकिन मेरे पास देखो 5 कार्ड वैलिड हैं। सो हमको नहीं पता अब हमारे पास वैलिड कार्ड आएंगे या नहीं आएंगे, सो इस वजह से हम यहाँ पे करेंगे ड्रॉप। एंड यहाँ पे दे लेते हैं और कौन कौन बंदा प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लग रहा था किसी के ना किसी बंदे पास काफ़ी ओपी कार्ड हो सकते हैं, तो इस वजह से मैंने ड्रॉप किया। ज़्यादातर चांस रहते हैं कि जब ऐसे कार्ड आते हैं ना तो आपके इजी 20+ पॉइंट तो लगते ही लगते हैं, मैंने जहाँ तक प्ले किया। बट हाँ, मान लो कि 90% चांस रहते हैं कि आपके 20+ पॉइंट लगेंगे, और यहाँ पे 10% चांस रहते हैं कि आप वहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दूसरे बंदों को अगर टाइम लगेगा डिक्लेयर करने में तो आप उस बीच पॉइंट डाउन करके डिक्लेयर भी कर सकते हो। सो 10% में मान लो कि चांस रहता है। सो ये अपनी अपनी थिंकिंग है। सो आपने अगर प्ले करना होता तो कर सकते हो। सो मैंने तो ड्रॉप किया। एंड गाइस देख सकते हो यहाँ पे 3 बल्ले प्ले कर रहे हैं। सो करते हैं इसी के साथ बैट स्किप। ओके, सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो डीलर डिक्लेयर कर देता है, और यहाँ पे देखो 72 पॉइंट वाला बंदा 8 पॉइंट से लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 40 पॉइंट वाला बंदा भाई साहब डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि इस बंदे की प्योर सिक्वेंस रही नहीं हो पाई। और उस बंदे की बेवकूफ़ी ये थी कि उस बंदे ने सिंगल जोकर से रिस्क लिया था, और उस बंदे के पास वैलिड कार्ड तो थे थोड़े, लेकिन यहाँ आपको पता वैलिड कार्ड हैं, लेकिन यहाँ पे बंदे की फिर भी प्योर सिक्वेंस रही नहीं हो पाई। बंदे की तो सोच यही थी कि मैं वैलिड कार्ड रही करके डिक्लेयर कर दूंगा, मतलब कि उस बंदे की यह थिंकिंग थी अगर मेरी प्योर सिक्वेंस रही होगी तो क्या पता बंदा डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन उस बंदे का बैड लक था। सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं, एंड अगेन देख सकते हो गाइस कार्ड इस बार हमारा बैड लक ही है, मतलब हद है यार। सो मैं यहाँ पे ऑटो ड्रॉप लगा दिया, लेकिन लगा नहीं अभी तक। आई थिंक नेटवर्क में कोई दिक्कत होगी मेरे,
और यहाँ पे 20 पॉइंट वाला बंदा दे सकते हो, ये भी ड्रॉप कर देता है, सो हम भी ड्रॉप कर देते हैं एंड करते हैं इसी के साथ बैट स्किप। सो फाइनली गाइज यहाँ पे 80 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है और यहाँ पे गाइज दे सकते हो एक बंदा डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुका है। मतलब मेरे को यहाँ पे हैरानगी हो रही कि बंदे के पास इतने वैलिड कार्ड थे फिर भी बंदे की प्योर सिक्वेंस रही नहीं हो पाई। प्योर सिक्वेंस ना रही होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर जो है प्ले कर रहे थे, इस वजह से बंदे की प्योर सिक्वेंस रही नहीं हो पाई। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइज कार्ड सीड हो चुके हैं एंड गाइज दे सकते हो कार्ड, कार्ड तो काफ़ी ओपी है लेकिन हमारे पास प्योर सिक्वेंस नहीं है। सो हम यहाँ पे क्लब 2 डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास क्लब 2 ही इनवैलिड कार्ड है, बाकी सारे दे सकते हो वैलिड कार्ड हैं। सो हमको खाली बस प्योर सिक्वेंस चाहिए, अगर प्योर सिक्वेंस नहीं हो गया तो हम जो है डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर प्योर सिक्वेंस नहीं हुई हो तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एलिमिनेट हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपने एग्जांपल देखा ही होगा, बंदों के इतने वैलिड कार्ड थे फिर भी बंदों की प्योर सिक्वेंस रही नहीं हो पाई, इस वजह से मेरे को थोड़ा डाउट है कि मेरी प्योर सिक्वेंस अगर बंदे ने नहीं रही होने दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके बंदे ने क्वीन डिस्कार्ड की, कोई नहीं क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं और यहाँ पर देखो डायमंड क्वीन आई है। सो हम यहाँ पर क्लब किंग डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमको डायरेक्ट डिक्लेयर फिर भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास हुकूंगा जे आ गया तब भी। सो मैंने अपना सेट ही ब्रेक कर दिया ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बंदे को क्वीन ही डिस्कार्ड कर दूं तो बंदा तो पिक करके सीक्वेंस ही रेंज कर सकता है ना। सो जितना हो सके आपको फॉलो नहीं करना बंदों को, ओके हुक्म का ऐसा है। सो मैं यहाँ पे अब डाउन में क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि बंदे ने किंग डिस्कार्ड किया है, वैसे बंदा पिक कर सकता है मेरे को थोड़ा डाउट है क्योंकि गाइज बंदे पास 10 जे भी हो सकता था लेकिन बंदे पर देखो जे था और किंग था और हमने क्वीन डिस्कार्ड करके बंदे का मतलब के सीक्वेंस ब्रेक करवा दी। और यहाँ पे देखो क्लब क्वीन ओपन है, क्वीन डिस्कार्ड हो चुकी है पहले से, हम भी डीसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके डायमंड एस भाई वाह, बंदे ने अपनी पूरी फोर्थ कार्ड की सीक्वेंस सी जो है कर दी है ब्रेक। खैर कोई नहीं, हमारे पास प्योर सीक्वेंस नहीं हो चुकी है। सो हर्ट किंग के साथ करते हैं डिक्लेयर और इसी के साथ फिनिश। और गाइज देखो ये बंदा ओनली 13 पॉइंट से लॉस हुआ है, मतलब कि बंदे के पास भी काफ़ी अच्छे कार्ड थे। बंदे को देखो किंग चाहिए था लेकिन हुक्म का, अगर मैं देखो बंदे को पहले ही डाउन में क्वीन डिस्कार्ड कर देता ना तो बंदा हमको एलिमिनेट कर देता डायरेक्ट। चलो कोई नहीं बड़ी हुआ, हमने जैसे भी करके एक बार बचा लिया। सो अगेन गाइस कार्ड डिसीड हो चुके हैं एंड अगेन दे सकते हो कार्ड, कार्ड्स की बात करें तो दे सकते हो, हमको एक ही कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। सो मैं यहाँ पर डाउन में क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि हमको हर्ट में क्वीन चाहिए। वैसे आपको पता है बंदे बहुत ही कम फॉलो करते हैं और देखो बंदा क्वीन पिक कर गया। खैर अब देखते हैं जो डीलर है ये बंदा हमको फॉलो करता है या फिर नहीं, क्योंकि आपने जो पिछला राउंड देखा था यानी कि 5th राउंड उसमें इस बंदे ने हमको फॉलो तो नहीं किया था लेकिन हो सकता कोई ना कोई गलती कर दे बंदा। एक बार ही बंदे ने अगर फॉलो कर लिया तो हम जो है डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं तो हमारे भरोसा MPL पर है, MPL वाले क्या पता हमको जॉकर दे दें। ओके बंदे ने जे डिस्कार्ड किया, सो हम यहाँ पे क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं, क्लब 7 आया मेरे पास, सो यहाँ पे 7 ही डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि 9 जॉकर है, सो 7 पिक होने के चांस बहुत कम थे और ऐसा ही होता है ये बंदा पिक नहीं करता। अब यहाँ पे बंदे पता ही आपको फॉलो नहीं कर रहे, हर्ट 10 यूजलेस है, सो क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं, 8 आया, सो 8 ही डिस्कार्ड कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे हर 10 पिक करके पॉइंट डाउन कर सकता था लेकिन मेरे को पॉइंट डाउन नहीं करने, मेरे को अब डिक्लेयर ही करना है। और यहाँ पे देखो बंदा हुकुम का 10 पिक कर गया और यहाँ पे देखो एस डिस्कार्ड कर रहा है, अब यहाँ मैं एस पिक कर लेता तो अब मेरी एक कार्ड पे गेम होती, लेकिन अब डायरेक्ट डिक्लेयर करने के चक्कर में ना। खैर कोई नहीं, अब मेरे को 6 आ चुका है, सो अब यहाँ पर कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें, वैसे मैंने 7 तो डिस्कार्ड किया हुआ है क्लब में, सो हो सकता है बंदा 6 पिक ना करे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे हर्ट 3 डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब मेरे को थोड़ा डाउट है कहीं कोई और बंदा ना डिक्लेयर कर दे। और गाइस देखो बंदा हर्ट में 3 पिक कर गया और देखो हर्ट में 5 डिस्कार्ड किया और इस बंदे पास हर्ट में 5 है, देख रहे हो। अब मैं सोच रहा हूँ डीलर ही कहीं इसको बंदे को फॉलो करके हमको डिस्कार्ड कर दे हर्ट में 6, लेकिन बंदा देखो 8 डिस्कार्ड करता, कोई नहीं क्लोडर से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे देखो यूजलेस क्वीन आई है, सो क्वीन ही डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब जो कार्ड चाहिए वो आ ही नहीं रहा। वैसे बंदा 3 का सेट रैंक कर रहा था अभी तो, देखो उस बंदे ने 5 डिस्कार्ड किया था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है बंदे पर डबल 5 हो, क्योंकि बंदे जो है कार्ड को होल्ड रखते हैं एंड तक, जो है डबल कार्ड होता है।
ओके, बंदे ने देखो 5 तो डिस्कार्ड किया। खैर कोई नहीं, मेरे पास देखो अगेन हर्ड 3, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। खैर कोई नहीं, बंदा इस बार तो पिक नहीं करेगा। अब मेरे को ये तो कंफर्म हो चुका कि गाइस हमारे पास डिक्लेयर का कार्ड नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे देख ही सकते हो हम कब से एक कार्ड पे हैं और अब तक हमारे पास देखो वो कार्ड आ ही नहीं रहा। हम कितना ट्राई कर रहे हैं, क्लोडे से कार्ड पिक कर रहे हैं, मैंने देखो एक भी ओपन डे से कार्ड पिक नहीं किया। दो मैं कार्ड पिक कर सकता था ओपन डे से, तो मेरी अब एक कार्ड पे गेम होती। खैर कोई नहीं, ओके यहाँ पे देखो जे आया कलम है, सो जे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। मेरे को लग रहा है यहाँ पे 100 पॉइंट वाला या फिर 93 पॉइंट वाला बंदा, इन दोनों बंदों में से कोई ना कोई बंदा डिक्लेयर करेगा। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है गाइज मेरे यहाँ पे 16 पॉइंट लगा के जाएंगे बंदे, और यहाँ पे ऐसा ही होता है, फाइनली 93 पॉइंट वाला बंदा 3 पिक करके डिक्लेयर कर देता है। और यहाँ पे हम तो सर्वाइव कर चुके हैं, लेकिन 100 पॉइंट वाला बंदा फाइनली डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुका है। और 100 पॉइंट वाले बंदे के कार्ड देखना गाइज, ओपी कार्ड दे, बस खाली बंदे को प्योर सिक्वेंस चाहिए थी, दे सकते हो हर्ट में 4 चाहिए थे बंदे को। बंदे ने हर्ट 3 पिक किया था, लेकिन बंदे को हर्ट में 4 चाहिए था और हर्ट में एस। खैर कोई नहीं, यहाँ पे देखो हम स्प्लिट पाई की क्वेस्ट सेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम पहले ही निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बंदे के 80 पॉइंट थे, वो बंदा क्यों एक्सेप्ट करेगा। कोई नहीं, सो अगेन गाइज कार्ड रिसीव हो चुके हैं। एंड गाइज दे सकते हो कार्ड, कार्ड्स की बात करें तो काफ़ी ओपी कार्ड मिले हमको, बस हमको खाली ओनली 2 वैलिडी कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। सो मैं यहाँ पे ये सोचा था कि इस बार तो 80 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहे, क्योंकि इस बंदे के हम चाहते हैं पॉइंट लगे। ओके बंदे ने डायमंड 10 डिस्कार्ड किया, सो पिक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे 5 या फिर 2 जे भी काम का है हमारे, कोई तो कार्ड डिस्कार्ड करना पड़ेगा। वैसे 3 जोकर है, सो 3 तो नहीं आ सकता, सो हम यहाँ पे 2 डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे हो सकता बंदा 2 पिक कर ले, एस 2 3 बना ले, लेकिन चांस बहुत कम है ऐसा हो पाए। और यहाँ पे दे सकते हो डीलर तो ड्रॉ भी कर चुका, चलो बढ़िया, अब 1v1 है। सो 1v1 में देखते हैं हम डिक्लेयर कर पाते हैं या फिर नहीं। हर्ट क्वीन डिस्कार्ड की बंदे ने, कोई नहीं क्रोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। यहाँ पे देखो क्लब में 4 आया, सो हम यहाँ पे 4 ही डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे बंदा 4 भी पिक कर सकता है, सीक्वेंस नहीं होने के चांस हैं। चलो बढ़िया, बंदे ने पिक नहीं किया 5, चलो बढ़िया, बंदे ने 5 डिस्कार्ड किया, सो हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं। एंड अब हमको तो हर्ट में जे ही डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जे ही हमारे पास वैलिड कार्ड है। और यहाँ पे देखो बंदे ने 2 डिस्कार्ड किया, सो हम यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। 9 आया मेरे पास डाउन में, सो हम 9 ही डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि बंदे ने डायमंड 9 डिस्कार्ड किया था पहले ही, सॉरी डायमंड 9 नहीं डिस्कार्ड किया था, डायमंड 10 डिस्कार्ड किया था। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट था बंदा पिक कर लेगा, लेकिन चलो बढ़िया, बंदे ने पिक नहीं किया। ओके और दे सकते हो गाइस फाइनली मेरे पास 8 भी आ जाता है, सो 4 के साथ करते हैं डिक्लेयर और इसी के साथ फिनिश। और गाइस ये बंदा फाइनली आखिरकार एलिमिनेट हो जाता है और हम इस राउंड में विनर हो जाते हैं। और इस बंदे को ना गाइज एक ही कार्ड चाहिए था डिक्लेयर करने के लिए, वो हमने इस बंदे को नहीं पिक करवाया। और गाइज 100 पॉइंट वाला बंदा हमको स्प्लिट प्राइस की क्वेस्ट सेंड करता है, सो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट कैंपेड में, तब तक ओके बाय।